बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम मैकेनिकल थर्ड ईयर का सब्जेक्ट अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स, जिसका कोड है MEC 313, और आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं, व्हाट इज हीट इंजन, और सेकंड टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ आइस इंजन। अब हम इनकी डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले कि हीट इंजन होता क्या है। हीट इंजन इज अ मशीन विच कन्वर्ट हीट एनर्जी सप्लाइड टू इट इन टू मैकेनिकल वर्क। मीन्स ये हुआ कि हीट एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड हीट इंजन। अब जो हीट है वो क्या होती है, वो बर्निंग ऑफ फ्यूल है, किसी भी सेंस में हो सकती है। अगर बर्निंग ऑफ सेंस मशीन के अंदर होगी तो उसको हम आइस इंजन बोल देंगे, अगर बर्निंग जो है वो आउटसाइड हो रही है तो हम उसको बोलते हैं इसी एक्सटर्नल इंजन, कंबस्टन इंजन बोल देते हैं। उसकी हम डिटेल मजीद आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ से डेफिनेशन हीट इंजन क्या हुआ कि हीट एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी इसका हीट इंजन। क्लासिफिकेशन इसकी टू है, इंटरनल कंबस्टन इंजन है और एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन है। इंटरनल कंबस्टन इंजन के अंदर क्या है कि कंबस्टन ऑफ फ्यूल, जो बर्निंग ऑफ फ्यूल टेक प्लेस इन साइड द इंजन सिलेंडर, इंजन सिलेंडर के अंदर हो तो उसको बोलते हैं इंटरनल कंबस्टन इंजन। और उसकी एग्जाम्पल क्या है, ये डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है या गैस इंजन है, इसका एग्जाम्पल है। एक्सटर्नल क्या है कि कंबस्टन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस आउटसाइड द वर्किंग सिलेंडर इज कॉल्ड ईसी एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन। एग्जाम्पल क्या है, स्टीम इंजन है और स्टीम टर्बाइन जो है। ये स्टूडेंट्स ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये पास कर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आईसी एंड ईसी, ये मेन डिफरेंस इसके अंदर है। और आपने जब एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल के साथ, अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन। नंबर वन, साइकिल ऑफ ऑपरेशन, नंबर ऑफ स्ट्रोक पर साइकिल के हिसाब से अगर हम इनका क्लासिफिकेशन करें तो टू स्ट्रोक साइकिल इंजन आता है और फोर स्ट्रोक है। अब टू स्ट्रोक पेट्रोल में भी है, डीजल में भी है, फोर स्ट्रोक पेट्रोल में भी है, डीजल में भी है। ये पहली है कि साइकिल ऑफ ऑपरेशन के टाइप ऑफ आईसी इंजन अकॉर्डिंग टू साइकिल ऑफ ऑपरेशन के, ये है टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक। अब है थर्मोडायनेमिक साइकिल और मेथड ऑफ हीट एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसकी तीन टाइप्स उसने बता दी, ऑटो साइकिल इंजन है, डीजल है और ड्यूल कंबस्टन इंजन भी उसको, सेमी डीजल साइकिल, यानी कि जिसमें पेट्रोल भी हो और जिसमें डीजल भी हो दोनों को। अब ऑटो जो है ना एक्चुअली ये पेट्रोल साइकिल है और डीजल जो है ये डीजल नाम से पता है, और सेमी का मतलब दोनों का उसके अंदर है। अब इसकी जो थर्ड एग्जाम्पल भी आते हैं, टाइप ऑफ फ्यूल यूज, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और गैस इंजन, और इग्निशन मेथड, ये क्या है, स्पार्क इग्निशन है और कंप्रेशन इग्निशन है। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात का क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसआईई, एसआई एंड सीआई। एसआई मीनिंग से पता है, मतलब कि एसआई स्पार्क प्लग किस इंजन में होता है, ये हमेशा पेट्रोल में होता है, और कंप्रेशन इग्निशन किस में होती है, ये हमेशा डीजल में होती है। ये एक्चुअली एसआई और सीआई को दूसरे अल्फाज में बोलूं तो मैं लिख सकता हूं कि डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन, उसको हम ये भी बोल सकते हैं। इग्निशन मेथड में दो टाइप्स आते हैं इसके। अब इसकी कूलिंग सिस्टम क्या है, एयर कूल्ड इंजन है, वाटर कूल्ड सिस्टम है। वाल के हिसाब से अगर लोकेशन के, एल हेड साइज इंजन होता है, टी हेड होता है, आई हेड होता है और एफ हेड इसका होता है, ये इसकी वाल लोकेशन के हिसाब से। अब आ जाइए आईसी इंजन टर्मिनोलॉजी क्या है, जो आईसी, अब हम इसकी एक इंजन की एक्सप्लेनेशन में जाने लगे। नंबर बोर, इनसाइड डायमीटर ऑफ सिलेंडर, स्टर्न हैज बोर, टॉप डेड सेंटर क्या है, द एक्सट्रीम पोजीशन रीच्ड बाय द पिस्टन एट द टॉप ऑफ द सिलेंडर इन द वर्टिकल इंजन इज कॉल्ड टॉप डेड सेंटर। एक्सट्रीम पोजीशन क्या है कि हमारे पास एक वर्टिकल सिलेंडर है, उसका जो अपर पोर्शन टॉप वाला है उसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, उसको टॉप डेड सेंटर, डायग्राम में भी आपको ये बताया जाएगा। और बॉटम डेड सेंटर क्या है, उसका लोअर जो पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन रीच बाय द पिस्टन एट द बॉटम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के बॉटम को बॉटम डेड सेंटर, टॉप को टॉप डेड सेंटर बोलते हैं। ये इसकी टर्मिनोलॉजी इसके अंदर यूज करते हैं। आगे है जो स्ट्रोक क्या है, द नॉमिनल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पिस्टन, ये टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के अंदर वाला जो डिस्टेंस कवर्ड करता है उसको हम स्ट्रोक भी बोलते हैं, स्ट्रोक लेंथ भी। कंप्रेशन रेशियो क्या है आपके पास, ये इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम सिलेंडर वॉल्यूम टू क्लियरेंस वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस इज कॉल्ड कंप्रेशन रेशियो। सिलेंडर वॉल्यूम क्या है, इट इज द सम ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम एंड क्लियरेंस। अगर हम सिलेंडर वॉल्यूम, इसको टोटल वॉल्यूम बोलते हैं, अगर हम स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस को ऐड कर दें तो उसको बोल देते हैं सिलेंडर वॉल्यूम। अब हमारे पास स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है, इट इज द सम ऑफ, इट इज द वॉल्यूम ऑफ स्पेस जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ पिस्टन फ्रॉम वन हेड, मतलब वन
डेड सेंटर मतलब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के अंदर जो उसकी मूवमेंट है, अगर उसकी मूवमेंट को स्ट्रोक बोलते हैं, अगर हम उसका वॉल्यूम लेते हैं उसको हम स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है? इट इज द स्पेस इन द सिलेंडर विद द पिस्टन एट द टॉप, टॉप डेड सेंटर के ऊपर स्पेस ताकि उसका जो वॉल है वो उसमें टच ना हो, डैमेज ना हो। दिस इज ए क्लियरेंस वॉल्यूम। बड़ा क्लियरली आपको यहां से पता चल क्लियर वॉल्यूम क्या होता है। ए क्लियरेंस वॉल्यूम इज प्रोवाइडेड टू अवॉइड द कॉन्टैक्ट, उसकी रीजन दी हुई है, ऑफ द पिस्टन हेड विद द सिलेंडर एंड ऑल्सो टू अलाउ द ओपनिंग ऑफ द वॉल। ये देखें मूवमेंट, ये अब मैं अगर यहां पे करूं तो ये टॉप डेड सेंटर और ये बॉटम डेड सेंटर, और इसके अंदर थोड़ा सी क्लीनस वॉल्यूम होता है। वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि ताकि आपको पता चले कि जो उसके वॉल उसके साथ पिस्टन टच ना हो, वो डैमेज ना हो, चीजों को करे। स्ट्रोक लेंथ भी ये है। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह।